मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच को पांच भागों में बांटा जा सकता है। नंबर वन, पूर्तिया लोचदार, ईडी दैट इज इक्वल इन्फिनिट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल इन्फिनिट, अनंत होती है। नंबर टू, पूर्तिया बेलोचदार या शून्य लोच, ईडी इक्वल जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच शून्य होती है। नंबर थ्री, इकाई लोचदार, ई डी इक्वल वन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। नंबर फोर, अत्यधिक लोचदार, ई डी इज ग्रेटर देन वन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच एक से अधिक होती है। अत्यधिक भी लोचदार मांग, ई डी इज लेस देन वन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच एक से कम होती है। अब हम मांग की लोच की श्रेणियों को एक एक करके रेखाचित्र के माध्यम से समझाएंगे। मांग की लोच की श्रेणियां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मांग की लोच की पांच श्रेणियां हैं। नंबर वन, पूर्तिया लोचदार मांग, ई डी इक्वल इन्फिनिट। पूर्तिया लोचदार मांग से तात्पर्य ये है कि कीमत के अपरिवर्तित रहने पर, अर्थात कीमत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। वस्तु की मांग कम भी हो सकती है, वस्तु की मांग अधिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में डीडी कर्व मांग वक्र एक्स एक्स के समांतर होती है, जिससे ईडी इक्वल इन्फिनिट। यहाँ पर रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कीमत के ओपी रहने पर, अर्थात कीमत में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि मांगी गई मात्रा ओक्यू होती है। कीमत में बिना परिवर्तन किए हुए मांगी गई वस्तु की मात्रा ओक्यू वन ओक्यू टू घट बढ़ सकती है। इसे हम पूर्तिया लोचदार मांग कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्तिया लोचदार होती है, जिसमें ई डी इक्वल इन्फिनिट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बराबर इन्फिनिट, अनंत होती है। नंबर टू, पूर्तिया बेलोचदार मांग या शून्य लोच, ई डी इक्वल जीरो। पूर्तिया बेलोचदार मांग या शून्य लोच से तात्पर्य यह है कि कीमत में परिवर्तन होता है, लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे डीडी कर्व वाई अक्ष के समांतर होती है। ईडी इक्वल जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, अर्थात शून्य के बराबर होता है। इसमें कीमत बढ़ सकती है, कीमत घट सकती है, लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कीमत के ओपी होने पर मांगी गई मात्रा ओक्यू है, कीमत ओपी वन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात ओक्यू है। कीमत के घटने पर, अर्थात ओपी टू होने पर मांगी गई मात्रा ओक्यू है, अर्थात कीमत में परिवर्तन होता है, लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे डी डी वक्र वाई एच के समांतर होता है, तथा ई डी इक्वल शून्य, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच शून्य के बराबर होती है। नंबर थ्री, इकाई लोचदार मांग, ई डी इज इक्वल वन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल वन, एक के बराबर होता है। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में इकाई लोचदार मांग होती है। मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सभी आयतों का क्षेत्र एक समान होता है, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड मांग की मात्रा, तथा ओ वाई अक्ष पर प्राइस की
कीमत को दर्शाया गया है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब कीमत ओपी है तो मांगी गई मात्रा ओक्यू है, लेकिन जब कीमत ओपी से घटकर ओपी वन हो जाती है तो मांगी गई मात्रा ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन हो जाती है, जिससे डीडी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। कीमतों में परिवर्तन मांग में परिवर्तन के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल वन। नंबर फोर, सापेक्षतया लोचदार मांग, ईडी इज ग्रेटर देन वन। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में सापेक्षतया लोचदार मांग होता है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। कीमत में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कीमत ओपी होने पर मांगी गई मात्रा ओक्यू है, लेकिन जब कीमत घटकर ओपी से ओपी वन हो जाती है तो मांगी गई मात्रा ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन हो जाती है। डेल्टा पी कीमत में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। डेल्टा क्यू मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। यदि कीमत में 10% परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग में 20% का परिवर्तन होता है। जैसा कि कीमत के 10% कम होने से मांग में 20% की वृद्धि होती है। इसे हम सापेक्षतया लोचदार मांग अर्थात ईडी इज ग्रेटर देन वन कहलाता है। बेलोचदार मांग की लोच ईडी इज लेस देन वन। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उस स्थिति में मांग की लोच एक से कम होती है, उसे हम बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं या सापेक्षतया बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ओ एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। डीडी डिमांड कर्व है। कीमत ओपी होने पर मांगी गई मात्रा ओक्यू है। जब कीमत में कमी होती है अर्थात ओपी से घटकर ओपी वन हो जाती है तो मांगी गई मात्रा ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कीमत में यदि 20% की कमी होती है तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन मात्र केवल 10% की वृद्धि होती है, जो कि बिंदु R से बिंदु S पर पहुंच जाता है। बिंदु R पर क्षेत्रफल OP RQ है तथा बिंदु S पर OP1 SQ1 क्षेत्रफल है, जो कि पहले वाले क्षेत्रफल से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल OP1 SQ1 इज लेस देन OP RQ। इससे स्पष्ट है कि कीमत के घटने पर कुल खर्च घटता है तथा मांग की लोच इकाई से कम होती है। ऐसी स्थिति को हम बेलोचदार मांग की लोच अर्थात ईडी इज लेस देन वन कह सकते हैं।